फ्रेंड्स जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा मैं यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी वॉच फर्स्ट जनरेशन जो कि 2018 में लॉन्च हुई थी उसके बारे में आपको एक रिव्यू देना चाहता हूँ मैंने ऑलरेडी इस वॉच के ऊपर एक वीडियो अपने चैनल में बना रखा है बट वो इंग्लिश में है तो मुझे वहाँ पर कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने रिक्वेस्ट की कि क्या आप इस वॉच का वीडियो हिंदी में बना सकते हैं मैं इस वॉच को ऑलमोस्ट पाँच महीने से यूज़ कर चुका हूँ तो आई थिंक ये एक तरह से मिड टर्म रिव्यू है हिंदी में और एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि कई तरह के आपके सब सवालों के आपको जवाब मिलेंगे जैसे आपको इस वॉच को क्या अभी भी कंसीडर करना चाहिए 2021 में सेगमेंट में कई सारी नई वॉचेस भी लॉन्च हो चुकी हैं बहुत ही रिसेंटली वन प्लस ने अपनी स्मार्ट वॉच भी लॉन्च कर दी है तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे और हम देखेंगे कि ये वॉच क्या इतनी रेलिवेंट आज भी है तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आप देख रहे हैं डिसाइड टेक मेरा नाम है शिवम सबसे तो पहले मैं यहाँ पे इस स्मार्ट वॉच के स्पेसिफिकेशन के बारे में ब्रीफली बात कर लेता हूँ तो 2021 के हिसाब से अभी भी इसके स्पेसिफिकेशन इस प्राइस सेगमेंट में मुझे बहुत ही सॉलिड लगते हैं जैसे कि मैं आपको बता दूँ ये वॉच की बिल क्वालिटी बहुत ही स्टडी है ये एम आई 810G जो कि यूएस के मिलिट्री स्टैंडर्ड होते हैं जिसमें कि वॉच 29 टेस्ट के थ्रू गुजरती है ये वॉच उस टेस्ट को पार कर चुकी है तो ये बहुत ही ज़्यादा रोबस्ट बिल्ड क्वालिटी वाली है और मैं दूसरे स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इसमें सुपर एमोला डिस्प्ले है वन इंच का आपको इसमें थ्री सिक्सटी की पिक्सल्स मिलते हैं जिससे कि काफ़ी अच्छी 278 सेवेंटी एट पी, -पी जनरेट होती है और काफ़ी क्रिस्प डिस्प्ले आपको मिलता है इसमें टेक्स्ट वगैरह पढ़ना बहुत ही इजी है आप बड़े ही आराम से इसमें टेक्स्ट रीड कर सकते हैं अपने मैसेजेस के अपने ईमेल्स के उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको गोरिल्ला ग्लास डी एक्स प्लस मिल जाता है आपको इसके अंदर एक्सनोज का 9110 थाउजेंड वन मिलता है और यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि सैमसंग आज भी यही सेम प्रोसेसर यूज़ करता है अपनी गैलेक्सी वॉच थ्री में तो ये वही सेम प्रोसेसर है बिल्कुल भी लैग आपको इस वॉच में फील नहीं होता है ये बिल्कुल स्मूथ चलती है और ये मुझे लगता है बहुत ही कैपेबल है आज की डेट में भी ये रेलिवेंट प्रोसेसर है इस वॉच के लिए इसके बाद हम बात करते हैं इसमें है आपके फोर जी का इंटरनल स्टोरेज और मेरे पास ये एल टी ई कनेक्टिविटी वाली वॉच है तो इसमें आपको वन पॉइंट फाइव जी बी की रैम देखने को मिलती है जो नॉन एल टी ई वाला वर्जन है सिर्फ ब्लूटूथ वाला वर्जन है उसमें आपको यहाँ पे सिर्फ सेवन सिक्सटी एट एम बी रैम मिलती है बाकी इसमें स्पेसिफिकेशन के लिए आपको में वाई फाई मिल जाता है आपको ब्लूथ फोर पॉइंट टू मिल जाता है इसमें जी पी एस है इन बिल्ड एन एस सी है और इसके अंदर बाकी सारे आपके फिटनेस वाले सेंसर्स भी बहुत सारे इसमें दिए गए हैं जो कि आज के टाइम में भी काफ़ी सारे यूजफुल होते हैं जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ इसमें हार्ट रेट के लिए फ़ोर डायोड दिए गए हैं अभी की गैलेक्सी वॉच थ्री में एट डायोड मिलते हैं तो बढ़ा दिए गए हैं बट इस प्राइस रेंज प्राइस रेंज में फ़ोर डायोड भी बहुत कम स्मार्ट वॉचेस देती हैं और फोर भी काफ़ी ज़्यादा सही आपको एक्यूरेट हार्ट रेट देता है इसमें आपको एल टी ई कनेक्टिविटी भी मिल जाती है इसके अंदर एक बिल्ट बिल्ड इन ई सिम कनेक्टिविटी मिल जाती है जिससे कि ये वॉच सीधा फोर जी टावर से कनेक्टेड रहती है और ये स्टैंड एलॉन कॉल्स रिसीव कर सकती है इसे आप कॉल लगा सकते हैं बिना आपके फ़ोन की जरूरत के तो मैं इस रिव्यू को डिवाइड कर दूंगा दो पार्ट में मेजर इस वॉच के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताऊंगा। और सबसे पहले मैं आपको इसके प्रोज बताता हूँ तो जो चीज़ मुझे सबसे इसमें अच्छी लगती है वो है इस वॉच का एक प्रॉपर वॉच लुक है अगर आप इसको देखें तो ये इसकी फिट एंड फिनिश इसमें स्टेनलेस स्टील यूज़ किया गया है इसकी प्रीमियम बिल्ड फील होती है आपको ये अगर वॉच आप कोई दूर से देखें तो उसे गेस्ट कर पाना मुश्किल होगा कि क्या सच में एक स्मार्ट वॉच है क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी है और उसका एक सर्कुलर डायल है जिसकी वजह से ये एक सच में एक वॉच की फील देती है अगर आजकल की हम वॉचेस की बात करें जैसे कि फिट बिट वर्सा टू हो गई हो या फिर जो अमेज़ फिट की वॉचेस भी आती हैं कई सारी वॉचेस होती हैं जिनमें स्क्वायर या रेक्टेंगल डायल होता है और उसमें आप वो प्रॉपर वॉच फील नहीं आती है तो काफ़ी रोबस्ट बिल्ड क्वालिटी है इसकी जैसे कि मैंने आपको स्पेसिफिकेशन में बताया था कि ये यूएस के मिलिट्री स्टैंडर्ड की 29 नाइन टेस्ट को पास पास कर चुकी है शॉक के अगेंस्ट वाइब्रेशन के अगेंस्ट हीट कोल्ड गन फायर शॉक ह्यूमिडिटी और इस तरह के 29 टोटल टेस्ट के थ्रू ये वॉच गुजरती है तो इसमें आपको काफ़ी काफ़ी अच्छी रोबोट बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है फिफ्टी मीटर तक वाटर रेजिस्टेंट भी है नेक्स्ट चीज मुझे इसमें पसंद है वो इसका रोटेटिंग डायल ये बहुत ही यूनिक सैमसंग की वॉच में फीचर है जो आपको और किसी वॉच में नहीं मिलेगा आप इस वॉच में इस रोटेटिंग डायल से काफ़ी ईजिली इंटरेक्शन कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल होती है आपको बहुत जगह स्क्रीन टच करने की ज़रूरत नहीं होती है आप सिर्फ एक कार्ड टैप करके और इस रोटेटिंग मेजल को यूज़ करके आप अपने इस वॉच में बड़ी आराम से नेविगेट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई आपको अगर मैसेज पढ़ना हो तो आप इस तरह से रोट करके इसको पढ़ सकते हैं और ऐसे ही आप यहाँ से इसे रिप्लाई भी दे सकते हैं इसके बाद जो मैं प्रोज़ की बात करूंगा वो है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम इसको ऑपरेटिंग सिस्टम मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है तो जब हम बात करते हैं कि स्मार्ट वॉच एक्चुअली स्मार्ट क्यों होती है तो मेरे हिसाब से एक ट्रू स्मार्ट वॉच वही है जो आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन सपोर्ट करे जैसे कि मैं पे गैलेक्सी स्टोर खोल के आपको दिखाता हूँ कि आपको यहाँ पे ये इसका स्टोर है जहाँ से आप अलग अलग तरह की एप्स को डाउनलोड कर सकते हैं तो ये टाइजन ओएस में सैमसंग गलेक्सी वॉच में जो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका आपको फीचर मिल जाता है इस प्राइस रेंज में कई सारी ऐसी वॉचेज हैं जिसमें आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का सपोर्ट नहीं मिलेगा फॉर एग्जाम्पल जो हाल ही में वन प्लस की वॉच लॉन्च हुई है उसमें ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है कि वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं करता है जबकि इस वॉच में आप स्ट्रावा हेयर और सैमसंग एक्सप्लोर इस तरह की कई सारी मैं आप आउटलुक इस तरह की कई सारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं तो आपको एक ट्रू स्मार्ट वॉच वाली जो फील है मेरे हिसाब से वो एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके ही आएगी अदरवाइज वो तो एक सिर्फ एक फिटनेस डिवाइस हो गया जिसमें मैन्युफैक्चरर ने कुछ ही आपको एप्स दी हैं वही आप यूज़ कर सकते हैं तो बेसिकली थर्ड पार्टी एप्लीकेशन सपोर्ट से क्या होता है कि आपको थोड़ा इंगेजमेंट आपकी वॉच से बढ़ जाता है आप, आप काफ़ी सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं ट्राई कर सकते हैं तो वो चीज़ इसमें काफ़ी सही है इसमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का सपोर्ट है और कई सारी अपडेट्स ऐप में आती रहती हैं तो डेवलपर्स एक्टिव हैं क्योंकि वही सेम एप्लीकेशन गैलेक्सी वॉच थ्री में गैलेक्सी वॉच एक्टिव टू में सैमसंग की सभी गैलेक्सी वॉच सीरीज में वही एप्लीकेशन यूज़ होती हैं तो अच्छा खासा डेवलपमेंट सपोर्ट है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी आपको काफ़ी सारी एप्लीकेशन मिल जाएंगी कई सारे वॉच फेसेस भी होते हैं जो थर्ड पार्टी डेवलपर्स बनाते हैं एप्लीकेशन है वॉच फेस देते हैं तो आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए मिल जाती है जो कि आपको एक प्रोप्रायरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम वाले स्मार्ट वॉच में नहीं मिलेगी तो ये मुझे बहुत चीज अच्छी लगी इस वॉच की अब हम अगर वॉच फेस की बात कर रहे हैं तो आपको बता दूं क्योंकि गैलेक्सी वॉच में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वॉच फेसेस देखने को मिलेंगे बहुत ही अच्छे सर्कुलर डायल वाले वॉच फेसिस देखने को मिलते हैं बहुत ही अच्छी डिजाइन है और आप एन नंबर्स ऑफ वॉच फेसेस भी इंस्टॉल कर सकते हैं गैलेक्सी स्टोर के थ्रू आप अपने फोन के एप्लीकेशन के थ्रू भी वॉच फेसेस में इंस्टॉल कर सकते हैं और इसमें काफी काफी ज्यादा रियलिस्टिक दिखने वाली वॉच फेसेस हैं और ये वॉच फेजेस काफी ज्यादा कस्टमाइजेबल भी होती हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस वॉच फेस में क्लिक करूँ तो नीचे कस्टमाइज का ऑप्शन आएगा मैं इस कस्टमाइज के ऑप्शन में जाऊंगा तो आपको यहाँ पे कलर कस्टमाइजेशन का जो कि हैंड्स होते हैं मैं आपको दूसरी वॉच फेस भी दिखाता हूँ जैसे कि ये वाली वॉच फेस हो गई तो आप यहाँ पे डायल कस्टमाइज़ कर सकते हैं आप इसके अलावा कलर भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं आपके पसंद के हिसाब से आप इसमें जो छोटी छोटी छोटा सा जो डायल है उसमें आपको क्या दिखाना है उसमें भी आपको कई सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेबल क्लॉक फेस आपको उसमें मिलता है तो आप इसमें काफ़ी अच्छा पर्सनल टच दे सकते हैं और कई सारी क्लॉक फेस हैं जो कि आपको एक टिकिंग साउंड भी प्रोवाइड करती है वो टिकिंग साउंड इतना सिग्निफिकेंट नहीं है बहुत ही हल्का सा टिकिंग साउंड आता है बट स्टिल ये एक चीज है जो आप इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं डिजिटल लुक भी दे सकते हैं अपनी स्मार्ट uh, वॉच को तो आपको इस तरह से अगर आपको डिजिटल वॉच वाला फील चाहिए तो आप ये ले सकते हैं आपको एनालॉग वाला चाहिए तो ये ले सकते हैं अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं आपको इसके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बारे में बता दू जो मुझे बहुत पसंद है अगर आपको ऑलवेज ऑन ऑन करना है तो आपको नोटिफिकेशन को नीचे गिरा के इस वाले बटन को निखाना होगा तो जैसे कि ऊपर लेके आ गया ऑलवेज ऑन और अगर आप बैग जाएंगे तो आपको थोड़ी ही देर में वो एक डिस्प्ले में ट्रांजिशन दिख जाएगा और आपको पता चलेगा कि ऑलवेज ऑन ऑन हो चुका है ये देखिए फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है तो बहुत ही शानदार इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मुझे लगता है एकदम रियलिस्टिक वॉच की फील देता है बस एक ही दिक्कत है कि बहुत ज्यादा बैटरी कंज्यूम करता है गाइस तो आप इसको पूरे दिन यूज नहीं कर सकते आप कर सकते हैं अगर आपका वॉच फेस बहुत ही मिनिमलिस्टिक हो सिंपल डिजिटल वॉच फेस हो या फिर एकदम सिंपल एंड लॉन्ग वॉच फेस हो आप वो कर सकते हैं बट बहुत ज्यादा हैवी और बहुत ही ज्यादा ग्राफिक इंटेंसिव आपका अगर वॉच फेस है तब आप ऑलवेज uh, ऑन बहुत देर के लिए यूज नहीं करना चाहेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा बैटरी खाता है ऐसा नहीं कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एकदम ही अलग है वॉच फेस से जो कि कई सारी प्रॉपर्टी वॉच स्मार्ट वॉचेस में आपको देखने को मिलता है नेक्स्ट चीज जो इसमें अच्छी लगती है वो है इसका नोटिफिकेशन और रिप्लाई के ऑप्शन फॉर एक्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगी जैसे मुझे आपको जो नोटिफिकेशन मिला है इस इसपे अगर मैं स्क्रॉल करूं तो मुझे यहाँ पे नीचे रिप्लाई के प्रीडिफाइन कई सारे मैसेजेस मिल जाते हैं तो आप या तो इससे भी रिप्लाई कर सकते हैं या फिर आप वॉइस कमांड से भी रिप्लाई कर सकते हैं थैंक यू तो इस तरह से आप वॉइस कमांड से भी रिप्लाई कर सकते हैं या फिर आप इसको अगर एडिट करना चाहें तो आप इसको जाके एडिट भी कर सकते हैं आप की बोर्ड खोल सकते हैं या फिर आप यहाँ पे ड्रॉ करके भी एडिट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूरे टेक्स्ट को मिटा के यहाँ पे लिखना चाहता हूँ ओ के तो इस तरह से आप कर सकते हैं आप यहाँ पे टी कीबोर्ड भी इनेबल कर सकते हैं टी कीबोर्ड अगर किसी को नहीं पता तो जो हमारे पुराने फोन में फीचर फोन्स में कीबोर्ड होता था जिसमें वन से लेके नाइन तक की बटन होती थी और उसमें हम अल्फाबेट्स होते थे तो हम वो वाला कीबोर्ड यूज करके भी टाइप कर सकते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको रिप्लाई के ऑप्शन मिल जाते हैं उसमें नोटिफिकेशन में रिप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी काफ़ी ज़्यादा ये इंटरेक्टिव है बट मैं आपको बता दूँ कि ये फीचर सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉड में ही सपोर्टेड है आई में अगर आप आपके पास एक आई डिवाइस है और आप सी वॉच खरीदना चाहते हैं तो फिर आप ये फीचर नहीं यूज़ कर सकते नेक्स्ट जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो सिर्फ स्पेसिफिक इसी मॉडल के लिए है क्योंकि ये एक एल वर्जन है तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा नोटिफिकेशन में कि आप यहाँ देख सकते हैं एल का फीचर आ रहा है यहाँ पे जियो का सिग्नल अभी काफ़ी वीक है तो टावर यहाँ पे दिखाने रहा है वन यहाँ पे टावर्स भी दिखाता है और यहाँ पे आप वोल्टी भी देख सकते हैं वॉइस ओवर एल भी ये स्मार्ट वॉच सपोर्ट करती है तो इस वॉच से आप स्टैंड अल कॉल लगा सकते हैं और रिस कॉल रिसीव कर सकते हैं आपको अपनी स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है मैं आपको सीनैरियो सम, समझाना चाहूँगा जैसे कि आप इस वॉच को लेकर जिम जाते हैं और अपना स्मार्टफोन घर पर छोड़ देते हैं तो आपको जिम में कोई टेंशन नहीं होगी कि आपको इंपॉर्टेंट कॉल मिस करने वाले हैं या फिर आपको इमरजेंसी में किसी को कॉल लगाना हो तो आप इस वॉच से कॉल भी लगा सकते हैं और एक बहुत अच्छी अच्छा चीज़ इसमें सपोर्ट इंडिया में नहीं करता बट होता तो अच्छा होता इसमें सैमसंग पे है और इसमें एन भी है तो आप इससे पेमेंट भी कर सकते हैं जिम से वापस जाते हुए अगर आपको दूध या अंडे खरीदने हैं तो आप उसको ख़रीद के पेमेंट भी कर सकते हैं बट अनफॉर्टुने अनफॉर्चुनेटली ये फीचर अभी इंडिया में सपोर्टेड नहीं है हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से इंडिया में आ जाए इसको सैमसंग पे को इनेबल करने का एक तरीका है अगर आप चाहते हैं कि आपको तरीका मैं इस आ, अपने चैनल पे एक वीडियो बनाऊं आपको एडमेंट करूं तो मैं ज़रूर करूंगा आप प्लीज़ नीचे कमेंट में बताइए कि अगर आपको वो वीडियो चाहिए कि हम सैमसंग की वॉच में कैसे सैमसंग पे इंडिया में इनेबल कर सकते हो तो मैं ज़रूर से आपको दूंगा चलिए हम लास्ट प्रोज में आते हैं और वो है इसका फ़िटनेस और एक्टिविटी ट्रैकर आपको इसमें रेंज ऑफ़ फ़िटनेस एक्टिविटीज़ ट्रैक करने के लिए मिल जाती है मुझे इतनी सारी फ़िटनेस एक्टिविटीज़ ट्रैक करने के लिए अब तक किसी स्मार्ट वॉच में मैंने नहीं देखी है मैंने मी बैंड यूज़ किया है मैंने अमेज फिट की वॉचेस देखी हैं मैंने फिटबिट की वॉचेस भी चलाई हैं मुझे इतनी इतने सारे नंबर ऑफ़ एक्सरसाइज ट्रैक करने का ऑप्शन और किसी वॉच में नहीं मिला जितना मुझे गैलेक्सी वॉच में मिला है और ये काफ़ी सही तरीके से आपको ट्रैक करता है एक्सरसाइज करते वक्त अपनी हार्ट रेट देख सकते हैं उसके बाद आपको काफ़ी अच्छा सैमसंग की हेल्थ ऐप में एक पूरा चार्ट बन के आ जाएगा कि आपकी किस तरह से आपकी हार्ट रेट ऊपर नीचे गई कितना कार्डियो था मैं आपको स्क्रीनशॉट में अटैच कर दूंगा आप देख सकते हैं कि क्या क्या डिटेल्स आपको देखने को मिलती हैं और मैं यहाँ पे वीडियो में आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको ऐप में क्या क्या डिटेल्स देखने को मिलती हैं अलग अलग तरह की एक्सरसाइज के लिए तो बहुत ही अच्छा फीचर है इसका फिटनेस चैकिंग के लिए प्लस इसमें आपको आइडियल रिमाइंडर भी मिलता है जैसे कि अगर आप बैठ के काम कर रहे हैं अभी पैंडेमिक चल रहा है और बहुत सारे लोग का वर्क फ्रॉम होम है तो बैठे बैठे काम करते करते आपको हर थोड़ी देर में दिखाएगा कि आप काफी देर तक बैठे हुए हैं यू आर सिटिंग फॉर टू लॉन्ग देन यू शुड स्ट्रेच तो आपको थोड़ी बड़ी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज बताएगा कि आप ये स्ट्रेचिंग कर सकते हैं या फिर थोड़ी देर वॉक कर सकते हैं तो आप उनके थोड़ी देर वॉक करते हैं तो आपको मैसेज देता है कि वेल डन यू हैव मूवड एंड फिर आपको uh, दोबारा काफी देर बैठने पर एडल डिमांड देता रहेगा तो ये काफी इसका अच्छा फीचर है उसके उसके अलावा मैं आपको इसमें फिटनेस का जो एक कंसेप्ट सैमसंग ने बनाया है मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो है ये हार्ट वाला कंसेप्ट तो इसमें क्या होता है कि इसमें आप खुद अपने वर्कआउट आप कितना डेली मिनट करना चाहते हैं आपके कि कितने मूविंग आवर्स होंगे कितना आपका एक्टिविटी से आप कैलोरी बर्न करेंगे वो चीज़ अगर आप अचीव करते हैं आपका पूरा एक हार्ट कंप्लीट हो जाता है और इससे हिसाब से आप अपना ट्रैक कर सकते हैं कि आपने किस किस वीक में किस किस डेज अपना ये हार्ट कंप्लीट किया था तो आप कितने ज़्यादा एक्टिव थे ये भी इसमें काफ़ी सही चीजें मुझे लगता है इसके अलावा इसमें ऑटोमेटिक एक्टिविटी भी ट्रैक होती है जैसे कि आप वॉक पे गए या रन पे गए तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा इसमें वो चीज़ ऑन करके जाएँ ये ऑटोमेटिकली भी ट्रैक करने शुरू कर देता है बट उसमें जीपीएस ऑन नहीं होता है तो आपका मैप का डेटा ट्रैक नहीं हो पाएगा अदरवाइज़ काफ़ी अच्छा फीचर है वो चलिए फटाफट फटाफटम इस वॉच के कॉन्स में हम आ जाते हैं सबसे तो पहला कॉन जो मैं आपको इसमें बताऊंगा वो है जो मुझे लगता है वो है बिग् और मुझे लगता है कि बिग्स को सच में सैमसंग को या तो बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है या इसे हटा ही देना चाहिए गूगल सिसम यूज़ कर ले या कोई और थर्ड पार्टी यूज़ कर ले बट बिक्स बी सच में बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस है मुझे नहीं पता इतने सालों के बाद भी वो क्यों बेटर नहीं हो पा रहा है बिक्स बी से वॉइस कमांड देना इसमें सच में बहुत ही मुश्किल काम है है बिक्स बी बोलते रहो कुछ नहीं होता बिक्स बी जी पता नहीं कहाँ सो रही होती हैं उठती भी नहीं है उठ भी जाएंगी तो आपके शब्दों को समझने में उन्हें बहुत समस्या होगी पता नहीं वो ऑप्टिमाइज नहीं है शायद इंडिया के यूज़ के लिए या इंडियन एक्सेंट को समझ नहीं सकती मुझे नहीं पता क्या दिक्कत है बट बिक्स बी सच में बहुत ही बहुत ही ज़्यादा फालतू फीचर मुझे लगता है इस वॉच में और मुझे सबसे बड़ा मेज, मेजर मिसिंग पॉइंट लगता है फॉर एग्जाम्पल मैंने फिटबिट वर्षा यूज़ करते वक्त जब उसमें एलेक्सा यूज़ की थी तो वो बहुत ही ईजिली मेरी एक्शन को रिकॉर्ड कर पा रही थी टाइमर सेट करना हो एक्टिविटी स्टार्ट करनी हो बहुत ही सिंपल काम था अलार्म लगाना हो बट इसमें बिक्स बिक की वजह से बहुत दिक्कत होती है मतलब मैनुअली ही करना पड़ता है बिक्स बी के भरोसे तो तुम नहीं रह सकते सेकंड नंबर में जो कॉन है वो मेरा पर्सनल मुझे कौन वो फील होता है इस वॉच को काफ़ी दिन यूज़ करने के बाद वो इसकी बैटरी इसको मुझे हर तीसरे दिन चार्ज करना पड़ता है और इसके सारे फीचर्स ऑन ही रहते हैं जैसे कि ब्लूटूथ हो गया जी हो गया जी पी एक्टिविटी के बीच ही ऑन होता है बट अदरवाइज इसमें आ, रिस्ट वाला फीचर है कि रिस्ट आप मूव करोगे तो बेकअप होगा कभी कभी मैं ऑर्वाजॉन भी यूज़ कर लेता हूँ तो नोटिफिकेशन आते रहते हैं उन पर रिप्लाई करना थोड़ा बहुत वॉच में एक्टिविटी ट्रैक करना मैं जब सुबह जिम जाता हूँ तो मैं एक्टिविटी ट्रैक करता हूँ तो वो सब यूज़ करने के बाद मुझे इसमें ऑलमोस्ट तीसरे दिन मुझे चार्ज करना पड़ता है और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अब मुझे ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीन नहीं लगता है क्योंकि आ, हर तीसरे दिन चार्ज चार्ज करना मुश्किल हो जाता है आप बिज़ी होते हैं आप भूल जाते हैं तो ये कभी कभी डेड भी हो जाता है तो बैटरी बैकअप मुझे लगता है कि स्मार्ट वॉच में कम से कम एक हफ्ते का तो मिलना चाहिए हमारे पास ऑलरेडी चार्ज करने के लिए अपना फ़ोन है लैपटॉप है ब्लूतूथ ई ईयरफोन भी आ गए हैं थैंक्स टू हेडफोन जैक जो कि गायब हो चुके हैं तो अब स्मार्ट वॉच भी हर दिन तीसरे दिन चार्ज करनी पड़ेगी तो कई बार थोड़ा एनोइंग हो जाता है तो यही चीज़ है जो कि मुझे इसमें कौन लगती है अदरवाइज इस वॉच में जितने फीचर्स दिए गए हैं एल टी जी पी एस वाई फाई और सारे फीचर्स उसके बाद तीन दिन का बैटरी बैकअप शायद ही कोई स्मार्ट वॉच इतने फीचर्स के बाद दे पाया क्योंकि मुझे पता है एप्पल वॉच एक दिन में ही डेड हो जाती है और वेयर उसकी वॉच भी का बैटरी बैकअप भी बहुत पुअर होता है तो ये चीज़ है कि इसमें बैटरी बैकअप अच्छा है कम्पे फीचर्स के हिसाब से बट एक एवरेज यूज़र के लिए अभी भी सफिशेंट नहीं है और लॉस्ट ला लास्ट जो कॉन मुझे लगता है कि ये वॉच थोड़ी हैवी तो सच में मुझे फील होती है फॉर एग्जांपल मैं इसको रात में सोने के पहले पहन के नहीं जा पाता हूँ और ये थोड़ी भारी है और इसको रात में सोने पहन के सोने में थोड़ी दिक्कत होती है तो मैं इसे स्लीप ट्रैकिंग नहीं कर पाता हूँ कभी कोई मुझे दिन में भी फील होता है कि वॉच थोड़ी भारी फील होती है तो मैं इसको तार के साइड में रख देता हूँ तो हाँ एक चीज़ ये है कि वॉच आज की डेट में थोड़ी भारी तो महसूस होती है तो ये बात आप ध्यान रखना इस वॉच को लेने के पहले कि आप पूरा दिन तो इसे नहीं पहन सकते और स्पेशली सोते टाइम तो मेरे हिसाब से वो तो नहीं पहन सकते बट uh, आप फिर भी ट्राई कर सकते हैं फाइनली मैं आपको बता दूं कि इस वॉच में रिसेंटली अपडेट दिया है सैमसंग ने जो कि बहुत खुशी की बात है इस वॉच में काफी टा ता, काफ़ी टाइम से अपडेट नहीं आया था मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखाऊंगा कि मेरे ऐप में ये नोटिफिकेशन uh, आया था कि इस वॉच में अपडेट आया है कुछ नए फीचर्स ऐड हुए हैं तो कई सारी चीज़ें इसमें चेंज हो चुकी हैं आप उसमें लिस्ट में पढ़ सकते हैं पॉज करके क्या क्या चेंज हुआ है बट अच्छी चीज़ है कि सैमसंग चलो अभी भी इस वॉच को भूले नहीं है सैमसंग के डेवलपर्स और वो इसमें अपडेट दे रहे हैं तो एक अच्छी बात है ये एक पॉजिटिव साइन है कि आप इस वॉच को टू थाउजेंड भी कंसिडर कर सकते हैं तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो गैलेक्सी वॉच का हिंदी में अगर आपको अच्छा लगा हो आपको इससे कोई मदद मिली हो तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के टेक्निकल वीडियोस देखते रहने के लिए और आपको किसी तरह का वीडियो आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट में मुझसे कर सकते हैं मैं आप ज़रूर ट्राई करूँगा आपके रिक्वेस्ट पूरी करने का सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज टेक केयर बाय बाय सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो